अब होगी ज्ञान की बात, गुरुवर के साथ जीवन की होगी नई शुरुआत। क्योंकि आप देख रहे हैं बिहर्ष टीवी यूट्यूब चैनल, समय की मांग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल। जब हम संसार में रहते हैं और संसार में रह करके हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या अपने मिलने वाले दोस्तों दोस्त यारों के यहाँ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के पास जाते हैं, समाज में जाते हैं, और वहाँ पर यदि हमें सम्मान ना मिले या हम वहाँ के हमारी जो महफिल में कंपनी में बैठे हुए लोगों के बीच में यदि हमारी प्रतिष्ठा ना बढ़े तो हमें बड़ा फील होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है ना। तो इसलिए अपन देखें, हर व्यक्ति चाहता है कि हम परिवार में रहें तो सारे परिवार के लोग कम से कम हमारी इज्जत करें। आप बाहर समाज में जाते हैं तो आपको लगता है कि समाज के लोगों में भी मेरी इज्जत होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, है ना। स्वजन है, परिजन है, सर्वजन है। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि कम से कम जहाँ भी जाऊँ सर उठा करके जीऊँ और जो भी लोगों के बीच में बैठूँ तो लोग हमें कम से कम आदर सत्कार दें, खुश हो जाएं हमसे, तो आप यदि ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यहाँ आचार्य मानतुन स्वामी महाराज ने, है ना, 21वें नंबर का जो भक्तावर स्तोत्र का जो काव्य है, ये हमें सभी जनों के बीच में, स्वजन और परिजन के बीच में हमारी मान शान बढ़ाने वाला ये काव्य है। तो आप चलिए और इस काव्य की आराधना और साधना कीजिए और आप सबके चहेते बन जाइए, सबके प्रिय बन जाइए। चलिए सबसे पहले इस काव्य को पढ़ते हैं कि मन्ये वरं हरिहरादये एवो द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषयेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यां कस् चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। यहाँ पर इस काव्य के का अर्थ करते हुए आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे भगवान, जब हम आपके दर्शन कर लेते हैं और आपके दर्शन का ऐसा आकर्षण है, आपके दर्शन करने के बाद ऐसा संतोष प्राप्त होता है, फिर आपके दर्शन कर लेने के बाद हमें किसी और अन्य, है ना, अन्य देवी देवताओं के पास जाने का फिर मन नहीं करता है, क्योंकि संतोष यहीं पर मिल जाता है। तो हे भगवान, फिर हमें कहें ये आपके रत्नात्रय का आकर्षण है। यहाँ पर इस काव्य का जो मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम ह्रीम अरहम नमो पर्ण सम नाणम ज्रौम ज्रौम नमः। इस काव्य को हमें क्या करना है, 42 दिन तक प्रतिदिन सिर्फ एक माला, और एक माला को बड़े सुंदर शुद्ध सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको उच्चारण करना है एक माला। उसके पश्चात आपको जब जब टाइम मिले पूरे 24 घंटे में आप इसको अपने मुख पर चाहे एक एक बार पढ़ें, पर हर कम से कम एक एक घंटे में इसको पढ़ते रहें, जिससे ये मंत्र आपके दिल और दिमाग पर स्थापित हो जाए। तो यह आपको सभी लोगों के बीच में